दारू दारू आप सब पीते हो? हाँ कभी कभार बहुत कम। अच्छा कभी कभार बहुत ही कम पे आ गए हो तीनों? मैं तो बहुत ही कम पीता था। ये क्या बात हुई यार, बहुत कम क्या होता है आपका? मतलब हमारे अलग शौक है। अच्छा और तीनों सुट्टा पीते हो ना? सुट्टा भी मतलब मैं तो बहुत ही कम पीता हूँ। ये तो भाई मुझे बड़े वो पापा वाले वो कर रहे हैं भाई, बिल्कुल है। सुट्टा भी पीते हो? आ जाओ सब पता चल जाएगा। और क्या क्या करते हो? अफीम, गांजा, चरस, हशीश याद आ गया? याद आ गया मुझे, बताओ। ओ भाई क्या हुआ? अरे मैं एक बार ऐसे चक्कर खा गया, अस्पताल चला गया था ना। हाँ आई थिंक गौरव लेके गया था कुछ ऐसा हुआ। वो तो अलग है, वो सेकंड चैप्टर है, सबसे रीसेंट है वो, तो तीसरा था। अच्छा वो तो उस दिन कुछ हुआ नहीं था, उस दिन तो वो आना शुरू हुआ था, मैं तब तक टाइमली पहुंच गया था हॉस्पिटल। अच्छा गौरव कपूर के सामने तो गलती से भी कुछ ना आ जाए यार। मुझे बस लिटा के जैसे व्लॉग बना देगा, जैसे डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब ये ठीक है, वो तुरंत बाहर गए उसी रूम के बाहर। मुझे आवाज आ रही है व्लॉग बना कि दोस्तों हम आ गए आज अपने दोस्तों को हॉस्पिटल लेके। भाई मुझे रिहा तो होने दो यहाँ से पहले, मेरी पर्ची तो कटने दो एक बार। और दोनों टैग मारे जा रहे हैं, दोनों टैग। हाँ, वो कौन सा था वो पीछे मेरा हाथ चला रहा है ऐसे से करते हुए, थ्री इडियट्स का गाना चलाया हुआ है रब से। उसमें सबसे बढ़िया पता है क्या है, जब मुझे वो चक्कर आना शुरू हुआ था ना और हम उस वेन्यू से नीचे आए, तो गौरव कपूर पहले अपनी गाड़ी नहीं ढूंढ पाया, एक गाड़ी में जाके चाबी लगा रहा, वो खुली नहीं खुली नहीं खुली नहीं। हाँ, मैं ओ फक ये तो मेरी है ही नहीं। और फिर दूसरी वाली का भाई यहाँ पे सेकंड्स की बात है, क्या कर रहे हो आप? एक कॉपे को चले गया क्यों, गाड़ी का सिकल ऐसे मैं चक्कर तो मुझे आ रहा है तुझे क्या हो गया भाई? हम दारू पे थे, दारू पे रोकते हैं। दारू इज इजी इजी वे टू कैप्चर द ऑडियंस। दारू इज मोर कमर्शियल एंड मोर एक्सेप्टेबल। तुम तो बहुत आगे, एक तो कॉमिक्स आजकल की नई जनरेशन नहीं, ये सब भी आई थिंक काटना पड़ेगा। नहीं काटेंगे तो नहीं, वार्निंग रख देंगे। इफ यू आर खुश आगरा कौस्तुभ एंड रोहित पेरेंट्स, इसके आगे ना देखें। बट रोहित आई थिंक आप फिटनेस में काफी हो क्या? नहीं नहीं सर, बस मैं मोटा नहीं हो पाता। मजदूर बॉडी है, मजदूर बिल्ड तो है इसका। मोटा नहीं हो पाता सर मैं, मतलब मैंने ट्राई भी करा बहुत खाने पीने का, अरे मतलब वो तो मेरे हिस्से का भी ले जा रहा है सर। बट कब मेटाबॉलिज्म को क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, और बाकी मैं खेलता भी रहता था बहुत टाइम। अब तो नहीं खेलते? खेलता हूँ अभी भी खेलता है। अच्छा आप भी खेलते हो? खाने में भी अच्छा नहीं हूँ मैं। एक बार ईटिंग कॉम्पिटिशन जब हारा ना तब मुझे खराब लगा यार, ईटिंग कॉम्पिटिशन हार गया तो। हाँ यार 25 साल में गोलगप्पे खाने थे, ये रेडी खा गया। आप लोग फूडी हो? मैं तो सर। हाँ अरे सर सर नहीं नहीं सर, ये मेरे से पूछ के हंसते हैं थोड़ा सा। नहीं यार मतलब जरूरी नहीं होता कि हर एक फूडी आपने वो आपने जोमेटो की वो देखी, वो लार्ज फ्लीट चल रही है आजकल, वो इसी की प्रोफाइल बनने के बाद बन रही है। ये टी शर्ट ये शर्ट स्विगी ने भेजी है इसको। सॉरी गाइस ये मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। इसकी फटी हुई गांड में भी जोमेटो के टेप लगे हुए हैं। सॉरी गाइस ये पॉडकास्ट मेरे कंट्रोल से बाहर है। ये इनके हवाले कर दिया है मैंने। दो मारना तू भी खुद पे वरना फिर हम बुरे लगेंगे। नहीं भाई करो आप, बुरे लगने चाहिए यहाँ पे तू आके बिल्कुल वैसा बन जाता है। नहीं मगर मैं ये कह रहा था मतलब कि ऐसा नहीं होता, काफी लोग जैसे इसका मेटाबॉलिज्म बेटर है तो ये फिट है, जरूरी नहीं होता चाहिए बहुत खा रहा हूँ। तो जरूरी नहीं होता जो हेल्दी इंसान ज्यादा खा रहा हो या फूडी हो। तो मैं वैसे पूछा था कि आप फूडी हो? चप्पे चप्पे के खाना खाया हुआ है? चप्पे चप्पे तो हाँ कह सकते हैं, जैसे ओल्ड दिल्ली हम प्लेट के चप्पे चप्पे से खो। मेरी बेस्ट क्या पसंद है आपको खाने में? सर हम तो जाते थे जैसे हम करते थे कुछ चीजें जब ऐसे पीवी के अगर कभी कॉलेज के टाइम पे हम सभी तो ओल्ड दिल्ली चले जाते थे और वहाँ हमने खाए खुरेशी कबाब खा लिए, फिर वो निहारी बिहारी खा ली और फिर शाही टुकड़ा खा के, शाही टुकड़ा मैंगो आइसक्रीम के साथ, मैंगो आइसक्रीम खाई, ओए होए 5 बजे घर वापस, गरम गरम शाही टुकड़ा उसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम, वो मतलब वो अल्टीमेट कॉम्बो है। वही मिलेगा मुझे नहीं, वो वही मिलता है, वही खाने की, वो वही खाने वाला है। उसके बाद हम वही खाओ और वो 6-7 बजे चाय की गांठ पड़ जाती है सुबह सुबह। ये रात की पूरी बता रहे हो, 12 बजे निकले, बर्बाद की है ना कॉलेज। तभी तो मेरे दोस्त जो है कोटर वोटर जो सैन फ्रांसिस्को बैठे हैं, मैं क्या कापसेड़ा में हूँ। वो भी यही आएंगे आए होंगे, वैसे एयरपोर्ट पास ही है। मेरी एक सेम में 0.3% अटेंडेंस थी। 0.3
क्योंकि इन लोगों के साथ घूम रहा था, इतना हाथ खड़ा करा था एक दिन पूरा हाथ भी नहीं खड़ा करा। यस मैम कैसे हो सकती है? तो बैक आई थी फिर उसको एग्जाम। ना ना वो आखिरी दिन बुला के थोड़ा डांटते हैं और फिर बस हो जाता है। ये तो है प्राइवेट कॉलेज के फायदे तो है दोस्तों। सर आप इंजीनियरिंग में आपके कॉलेज में कौन था? जेपी में तो बहुत ज्यादा, बट मैं थोड़ा स्टूडियस ही था, मतलब मेरी 7.4 थी और अटेंडेंस ठीक थी। सीजीपीए कह रहे हो? हाँ हाँ, तब CGPA SGPA मोर ऑर लेस सेम ही। 7.4 तो सही है यार। हाँ, 2000 कब की बात बता रहे हो आप? मैंने 12 में पास आउट किया है। और कौन सी ब्रांच थी आपकी वैसे? ईसी। अरे भाई ओ बेंचो ट्रिपल ई, मैं खुद ट्रिपल ई का हूं। अब ये इनको समझ नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया, लेकिन इसको बिजली का काम मेरे से ज्यादा आता है। तुम्हारे टैग का नहीं होते कह रहा, अभी दिखाऊं पेंसिल का निशान भैया पेच कर। ये तो सीधे सॉकेट में उंगली डालता है, इसकी उंगली ग्लो करने लगती है। कल कल तुम्हारे पानी लीक भी हो जाता था, सॉकेट से ही हो जाता था। वो ढंग से काम किया ही नहीं, पुट्टी ढंग से लगा। पैसा पूरा चाहिए, चाय पिलाते रहो बस। हाँ बट अच्छा क्या बात कर रहे थे हम? फूडी प्रेफरेंसेस। आपको वो पसंद है? आपको भी सेम पसंद है? हाँ मतलब वो मुगलाई वगैरह तो बहुत पसंद है मुझे, मुगलाई क्विजीन वो सब बहुत बढ़िया लगता है। उसके अलावा बिरयानी भी उसी में आ गई। समथिंग अबाउट दैट ऑपरेशन, कुछ तो है सर खाने में जो लाता है स्वाद। हाँ यार खाने का ये तो मुझे लगता है वही इंस्टेंट आपको ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट वो मिल जाता है ना कि मजा। कोलकाता का खाना भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे वो है ना कोलकाता वाले रेस्टोरेंट्स, वहाँ से मंगा के खाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा। आपको स्पाइसी पसंद नहीं है क्या? स्पाइसी पसंद है मुझे, ठीक ठीक स्पाइसी पसंद है। क्योंकि कोलकाता का जैसे बिरयानी वहाँ की बड़ी फ्लैट होती है। वहाँ की बिरयानी एक्चुअली क्लोजेस्ट है जो लखनवी और हमारे तरफ की जो बिरयानी होती है उस टाइप से, तो इस वजह से मुझे वो पसंद है। मुझे हैदराबाद की ज्यादा वो लगती है, हैदराबाद स्पाइसी होती है। हैदराबाद मेरे लिए ज्यादा स्पाइसी हो जाती है। हाँ उसमें सालन भी देते हैं, सालन नहीं मिलता वहाँ पे, रायता मिलता है कोलकाता वाले में। कोलकाता में आलू दे देते हैं भाई, वो आलू पूरा भी नहीं समझ में आता था वो पहले, बट वो थोड़ा सा खा के देखा, अलग ही टेस्ट है। आलू का वो आता है उबला हुआ आलू डाल देते हैं ना, वो नमक डाल देते हैं थोड़ी और काला नमक। और आपको क्या पसंद है? मुझे तो सर ये स्ट्रीट फूड पसंद है, चाट वगैरह या वो मेरे को स्वाद आता थोड़ा, गोलगप्पे भल्ले पापड़ी, अरे 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 आलू टिक्की, लेडीज लेडीज वाला है, लेडीज वाला था लेडीज आपने बिल्कुल भाई भल्ले पापड़ी वो मम्मी वाली बात हो जाती है, बेटा जा लगवा दे शादी में, लगा दे ना चीला चीला और करा दे। कुछ कुछ जगह की तो बहुत ही बढ़िया होती है, जैसे कि सरोजनी नगर वाली भी बढ़िया है, शाही श्री फोर्ट वाला कितना बढ़िया है, श्री फोर्ट वाला अच्छा है। एक मैंने वहां खाई अभी जोधपुर गया था मैं, पालक की चाट, पालक पत्ते की चाट, पालक पत्ते की चाट वो भी बहुत ही सही है, बहुत ही बढ़िया। पालक पत्ते को बेसन में डाल के उसमें लाल चटनी वही सब। भाई मतलब कानपुर के भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, मैंने कभी नहीं खाए थे। मतलब इसमें प्याज देते हैं, वो मटर डालते हैं, मटर सॉरी यहाँ पे आलू डालते हैं, यहाँ पे आलू डालते हैं, वहाँ पे मटर ही डालना चाहिए, प्रॉपरली मटर ही डालनी चाहिए। पानी बताशा बोलते हैं क्या? पानी बताशा, पानी बताशा बोलते हैं, बताशा बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, गोलगप्पे सब कुछ बोलते हैं हम। बताशे बताशे आए थे यहाँ पे, नहीं सुना होगा, बताशे मैंने पहली बार सुना है, बताशे बोलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे ये क्या चल रहा है, ये कैसी बातें हो रही है? सेव पूरी भी बढ़िया लग, अरे यार अब तो तुम मुझे गिनवाते रहोगे सर आप मेरे, मतलब हो फूडी। हाँ, सेफ पूरी बढ़िया। मैं नॉन स्पाइसी, मतलब स्पाइसी तो मुझे तोड़ देता अंदर से। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।